कोरोना वायरस को लेकर जारी देशव्यापी लॉकडाउन का सबसे अधिक असर किसानों पर पड़ा है। केंद्र सरकार ने किसानों के मरम को समझते हुए किसान सम्मान निधि योजना के तहत उनके खातों में अप्रैल महीने की अग्रिम किश्त पहुंचा दी है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में हजारों किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की किश्त आई है। लघु व मध्यम किसानों ने इस राहत के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। हमें 2000 रुपए जो पीएम योजना से मिले हैं और कोरोना के वक्त में बहुत कठिन परिस्थितियों में, इसलिए हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। किसान सम्मान निधि का जो 2000 रुपए की इंस्टॉलमेंट है वो हमें 3 अप्रैल को मिल चुकी है, जो मेरे खाते में डल चुकी है, जिसका मैसेज भी मुझे प्राप्त हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक किसान को भेजने की अनुकंपा की गई है ऐसे कठिन समय में, उसके लिए हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। हमारे खाते में 2000 रुपए जो आए हैं उससे हमारे को काफी राहत मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी इस मुश्किल दौर में गरीब परिवारों के लिए लाभकारी साबित हुई है। कांगड़ा जिले में इस योजना के सबसे अधिक लाभार्थी है और उनके खाते में गैस सिलेंडर भरने के लिए केंद्र सरकार द्वारा धनराशि डाल दी गई है। सरकारी योजना उज्ज्वल भविष्य तरफ से मतलब सिलेंडर मिला है, तो उसकी वजह से काफ़ी सहूलियत होगी अभी तो, मतलब लकड़ी वगैरह नहीं जलानी पड़ रही है, तो सरकार का धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री के इस सुविधा योजना के तहत गैस मिली थी और अब हमारे खाते में जो भी राशि मिली है उसका हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री की उससे कृपा से मुझे ये गैस सिलेंडर और उसका वो मिल गया है और मेरे खाते में उसके पैसे भी आ गए हैं और मैं सबका इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लोगों के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुई है। डीडी न्यूज के लिए शिमला से योगराज और कांगड़ा से मृत्युंजय शर्मा की रिपोर्ट।